अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं मेन कोर्स, जो कि कच्ची हल्दी और अंजीर की सब्जी है। और इसको स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि हल्दी, जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में एक कोई भी त्यौहार, कोई भी पूजा पाठ शुद्ध मानी जाती है, प्योर मानी जाती है। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि हल्दी जो है अपना वर्क्स एज एंटीसेप्टिक, मेडिसिनल वैल्यूज होती है। दूध में हल्दी डाल के पीते हैं तो मतलब कभी चोट लगती है तो माँ पुराने नुस्खे में हल्दी का दूध पिलाया जाता है, तो उसी हिसाब से मतलब जो दिन भर की थकान वगैरह है हल्दी डेफिनेटली उसको भी आपका दूर करेगी, एंड प्लस शुभ भी होगा। और दूसरा इसका जो कॉम्बिनेशन है हल्दी और अंजीर का, वो स्पेसिफिकली इसलिए कि अंजीर इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम, जो कि मतलब आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एज वेल एज हल्दी इज वेरी गुड फॉर अर्थराइटिस एंड ऑल, जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनको हल्दी दी जाती है। ओके, सो ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेफ हमें सिखाने वाले हैं, विच इज कच्ची हल्दी और अंजीर की सब्जी। वेरी डिफरेंट साउंड्स, और इसमें हल्दी और अंजीर तो डलता ही है, इसके अलावा और क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। कच्ची हल्दी और अंजीर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कच्ची हल्दी, 100 ग्राम अंजीर, 100 ग्राम पनीर, 150 ग्राम दही, 50 ग्राम काजू की पेस्ट, 5 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 100 मिलीलीटर घी, 5 हरी इलायची, 1 चुटकी हींग, 5 ग्राम जीरा, 5 ग्राम लहसुन, 2 साबुत लाल मिर्च, 150 मिलीलीटर दूध, 30 ग्राम अंगूर, 20 ग्राम काजू और नमक स्वाद के अनुसार। Let's start the cooking. आजकल कच्ची हल्दी जो है मार्केट में, अदरक जैसी दिखती है। Exactly. कच्ची हल्दी को हम लेंगे, उसको पील करके उसका छिलका निकाल लेंगे। अच्छा, मतलब ये बनाते हुए आपके हाथ पीले हो गए हैं? हाँ, पीले हो गए हैं डेफिनेटली। तो इस तरह से हम उसको छील लेंगे जी। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ चीजें रखी हैं पहले से, तो इस हल्दी को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। अब जब ये हमारी कट करके तैयार हो गई है जी, इसके बाद हम डालेंगे एक पैन में घी, जिसमें कि हम इस स्लाइस हल्दी को फ्राई करके इसको मतलब पूरा डननेस तक फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको डीप फ्राई करेंगे? डीप फ्राई करेंगे हल्की सी आंच पे। देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं? देसी घी का इस्तेमाल होगा इसमें। वंस द घी इज विथ हॉट, सूखी अंजीर लेनी है मार्केट से, आप फ्रेश की भी बना सकते हैं लेकिन सूखी प्रेफरेबली ज्यादा इजी होती है कुक करने में, क्योंकि वो मैश वगैरह नहीं होगी। तो सूखी अंजीर ले लिया आपने और गर्म पानी में जो है उसको सोक कर लिया। ओके, ठीक है। कितनी देर? एक दो घंटे? एक डेढ़ घंटा भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद वी आर गोइंग टू कट दिस सूखी अंजीर इनटू 1/2, जस्ट कट इनटू हाफ्स। अंजीर कट गई है और हल्दी थोड़ा सा फ्राई हो गई है, थोड़ा सा इसमें बॉडी देने के लिए हमने थोड़ा सा पनीर भी यूज करेंगे। तल ली गई है एंड इसको निकाल लिया गया है, और अब इसके बाद क्या करना है शेफ? इसके बाद हम थोड़ा सा काजू लेंगे, काजू को थोड़ा सा 2 चम्मच दही में हम इसका पेस्ट बना कर रख लेंगे। ओके, काजू और दही का पेस्ट, जैसे विच इज रेडी राइट हियर, जो हल्दी से जो फ्राई किया हुआ घी बचा है आपका, उसको हम थोड़ा सा डालेंगे अपना एक हॉट पैन में। घी गर्म हो गया है तो अब इसमें सबसे पहले जीरा, सबसे पहले डाला जाएगा इसमें जीरा, मिर्ची, साबुत लाल मिर्च 4 पीस, 4 से 5 पीस आपका हरी इलायची, एंड हींग, एंड जस्ट अ पिंच ऑफ हींग, दिस मच, या दैट्स मोर देन इनफ। चलिए ठीक है, तो तड़का हो गया, तड़का आपका तैयार हो गया जी। तड़का तैयार होते ही आपने जो है काजू का पेस्ट आपने इसमें डाला, साथ साथ जब तक ये मसाला भून रहा है हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, मसाले ज्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक सिर्फ नमक और मिर्च का इसमें शेफ ने इस्तेमाल किया है। वी आर गोइंग टू ऐड अंजीर, अच्छा, एंड योर फ्राइड हल्दी, ठीक है। अपने पास थोड़ा सा दूध रहना चाहिए क्योंकि रेसिपी में भी है, थोड़ा धीरे धीरे करके दूध डालिए। अब हम डालेंगे इसमें पनीर, एक बार जब ये करी पकने लगेगी तो धीरे धीरे इसका घी जो है ऊपर सतह पर आने लगेगा, मसाले के ऊपर थोड़ा सा घी फ्लोट होने लग गया जी। तो इसका मतलब आपकी करी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। कितनी देर तक वैसे हमें पकाना है? ये करीब 15 से 20 मिनट तक अगर आपने पका दिया तो बस बोल देना, आराम से 15 से 20 मिनट से धीमी आंच पे पका पकने दें। दिस इज रेडी टू डिश आउट नाउ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं तो इसको डिश आउट कर देता हूँ।
और जैसा कि शेफ ने कहा, इसे रोटी, प्लेन फुल्का या नान के साथ भी खाया जा सकता है, राइट? खाया जा सकता है। एनी इंडियन ब्रेड विल गो विद दिस। द कलर इज वेरी नाइस एंड जो खुशबू है ना बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो रोटीज भी यहाँ पे रेडी है। इसकी गार्निश जो है वो अगेन एक फ्रूट से ही है, थोड़े से ग्रेप्स ऊपर साथ में। ओके okay. अगर आप चाहें तो इस ग्रेप्स को बटर में टॉस भी कर सकते हैं या घी में टॉस करके भी डाल सकते हैं। नहीं और आई थिंक नो बटर एंड घी रिक्वायर्ड फॉर श्योर। थोड़ा सा कैशू। अच्छा चलिए, दैट्स इट। बहुत ही रिच रेसिपी है ये, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है एंड दिस इज एक्चुअली स्मेलिंग वेरी गुड। लवली स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट देसी घी। सो ये अमेजिंग सी डिफरेंट रेसिपी, एक डिफरेंट सी सब्जी तैयार है जिसे आप होली पर रात को डिनर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपने घर वालों को या मेहमानों को खिला भी सकते हैं। आई एम श्योर दे गोना लव इट एंड दिस इज समथिंग रियली इनोवेटिव, अंजीर एंड कच्ची हल्दी की सब्जी, सोचा भी नहीं होगा। चलिए एनीवेज इसके झटपट सा रीकैप नोट कर लीजिए। कच्ची हल्दी और अंजीर की सब्जी बनाने के लिए हल्दी को छीलकर काटें और इसे तल लें। एक पैन में घी गरम करें, इसमें जीरा, हरी इलायची, साबुत लाल मिर्च, हींग और लहसुन डालकर पकाएं। अब इसमें भीगी अंजीर और दही में काजू पेस्ट मिलाकर डालें। दूध, पनीर, नमक और मिर्च मिलाकर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। रोटी के साथ गर्मा गर्म परोसें।